नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। विद्यार्थी मित्रों, इसके पहले के वीडियो में मनोविज्ञान में चैप्टर नंबर 3 हमारा जो चल रहा था उसमें हमने देखा स्पीयरमैन का, स्टर्नबर्ग का, ये सब के हमने सिद्धांत देखे। अब जो अगला पॉइंट है हमारा, अगला जो सिद्धांत है वो है जेपी दास का सिद्धांत। ये रोज़मर्रा के जीवन में काफ़ी ज़रूरी सिद्धांत है। वो किस तरीके से है वो हम समझते हैं। आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में कई बार जेपी दास का सिद्धांत पूछा भी जा चुका है, इसके लिए इसको केयरफुली ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले जेपी दास का जो पास का सिद्धांत है, ये पास का सिद्धांत, उसमें प्लानिंग, अटेंशन, सिमुलटेनस और सक्सेसिव प्रोसेसिंग, ये सब चीज़ों का समावेश होता है। लेकिन जो जेपी दास थे उन्होंने सबसे पहले तो जी फैक्टर जो स्पीयरमैन ने बताया था कि सभी लोगों में एक जनरल फैक्टर होता है, वो फैक्टर के हिसाब से वो अपना जो जीवन है वो काफ़ी ऊंचाइयों पर ले जाता है, अपने आप को स्थापित करने का प्रयास करता है, जिसमें जितना जी फैक्टर अधिक होगा वो उतना ज़्यादा ऊंचाइयों पर उतना ज़्यादा कामयाबी को प्राप्त करता है। इन्होंने इसका विरोध किया। इन्होंने ये कहा कि व्यक्ति की जो बोधात्मक प्रक्रिया है वो प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वो जितना बोध करेगा, जितना ध्यान करेगा, जितना थिंकिंग करेगा, वो एबिलिटी के आधार पर ही वो अपने जीवन को आगे ले जा सकता है, एक अच्छा व्यक्तित्व तो स्थापित कर सकता है, समाज में एक अच्छी रिपोर्टेशन बना सकता है। तो इन्होंने जी फैक्टर का सीधे सीधे विरोध किया। इन्होंने कहा कि जी फैक्टर सभी में हो या ना हो, लेकिन बोधात्मक क्षमता जब तक किसी में नहीं होगी, किसी चीज़ को समझने की, किसी समस्या के समाधान करने की, किसी भी चीज़ की प्लानिंग करने की, किसी भी चीज़ का अमल करने की, निर्णय लेने की, जब तक बोधात्मक क्षमता नहीं होगी तब तक किसी काम को पूरा करना या क्रमबद्ध तरीके से संपूर्ण रूप से समाप्त करना वो काफ़ी मुश्किल होता है। तो इन्होंने बोधात्मक प्रक्रिया पर ही जोर दिया। मनोविज्ञान में इन्होंने कहा कि शरीर के साथ साथ चेता मनोविज्ञान जिसे न्यूरोसाइकोलॉजिकल साइकोलॉजी भी कहते हैं, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मतलब कि व्यक्ति जो है वो चेतन अवस्था में होना बहुत जरूरी है, और चेतन अवस्था में भी ऐसी अवस्था कि ध्यान केंद्रित करके चेतन अवस्था में रहे। जैसे हमारे सामने बहुत सारे उद्दीपक, अलग अलग प्रकार के उद्दीपक आते हैं, अब उसमें से हमको चयन करना होता है कि कौन सा उद्दीपक हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। तो वो उचित उद्दीपक का चयन हम कैसे करते हैं, हमारी जो बोधात्मक क्षमता होती है उसके थ्रू करते हैं। तो इन्होंने सीधे सीधे जी फैक्टर को इग्नोर किया, और इन्होंने कहा कि बोधात्मक क्षमता के ऊपर ही जो हमारा बुद्धि है वो काम करती है। तो इन्होंने पास का सिद्धांत दिया। पास के सिद्धांत में इन्होंने प्रक्रियाएं बताई। पास में पहला प्लानिंग, दूसरा अटेंशन, तीसरा सिमुलटेनस और चौथा सक्सेसिव। तो अब इसमें प्लानिंग में क्या होता है कि जैसे हम किसी भी चीज़ की सबसे पहले प्लानिंग करते हैं, बुद्धि से, दिमाग से प्लानिंग करते हैं, उसका आयोजन करते हैं कि फ्यूचर में हमको किस तरीके से इससे सक्सेस लेना है। तो सबसे पहले हम समस्या कौन सी आएगी वो समस्या देखेंगे, कार्य कैसा है वो कार्य, बहुत सारे उद्दीपक है उसमें से एक उद्दीपक का हम चयन करेंगे, वो उद्दीपक के आधार पर हम उस पर वर्क करना स्टार्ट करेंगे। तो हम सबसे पहले ध्येय निर्धारित करेंगे कि हमारा ध्येय क्या होगा, हम कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से वो ध्येय को कैसे प्राप्त करेंगे वो, फिर उसके बाद उसमें कौन कौन सी समस्याएं आएंगी, उसका क्रम क्या होगा, वो सब हम बोधात्मक क्षमता के आधार पर प्लानिंग करके निर्धारित करते हैं। इसमें प्लानिंग करने में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे जो मस्तिष्क का भाग होता है वो है बड़े मस्तिष्क का अग्रखंड, मतलब हमारा जो बड़ा मस्तिष्क होता है, उसके अग्रखंड, पश्चखंड और मध्यखंड, ये तीन प्रकार के खंड होते हैं। इसमें जो अग्रखंड होता है उसकी भूमिका काफ़ी बड़ी होती है, क्योंकि इसके आधार पर हम आयोजन करते हैं कि हमको प्री प्लानिंग कैसे करनी है, फ्यूचर प्लानिंग कैसे करनी है, वो प्लानिंग के आधार पर हम एक अच्छा ढांचा तैयार करते हैं, अच्छा स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, और फाइनली उस पर हम काम करके नीति नियम बना के ध्येय निर्धारित करके हम उसको सक्सेस प्राप्त करते हैं। तो इस तरीके से प्लानिंग, इन्होंने कहा कि हमारा जो मस्तिष्क है वो भी एक रोबोट की तरह काम करता है, वो जब तक सोचेगा नहीं, जब तक प्री प्लानिंग नहीं करेगा आने वाले समय में कैसे सक्सेस होना है, वो प्लान नहीं करेगा तब तक वो कोई भी काम में सक्सेस नहीं हो पाएगा या कामयाबी नहीं प्राप्त कर पाएगा। दूसरा इनका था अटेंशन अरोसल, ध्यान उत्तेजना। अब ध्यान उत्तेजना में जैसे कि कोई भी चीज़ है,
कोई भी चीज़ है, बहुत सारे उद्दीपक हमारे सामने रहते हैं, उसमें हमको जो इम्पोर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट है उसके प्रति कैसे केंद्रित होकर उस पर फोकस करना। उस पर फोकस करना मीन्स कि जब तक हमारा डायरेक्शन या हमारा जो मेन थिंग है वो अगर क्लियर नहीं होगी कि हमको क्या करना है फ्यूचर में, तब तक हम उस पर फोकस नहीं कर पाएंगे, उस पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो जब हम एकदम बोधात्मक क्षमता का उपयोग करके एकदम फाइनली हम उसको मान लेंगे कि हमको ये उद्दीपक को ध्यान में लेकर काम करना है, तब तक हम उस पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान जब तक केंद्रित नहीं करेंगे तब तक हम काम को करने के लिए उत्तेजित नहीं होंगे, उसके प्रति हम कोई भी प्लान नहीं बना पाएंगे। तो ध्यान उत्तेजना में जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क और थैलेमस ग्रंथि, ये काम करते हैं किसके लिए? ध्यान उत्तेजना को उत्तेजित करने के लिए मस्तिष्क और थैलेमस ग्रंथि काम करते हैं। अगला है सिमिल्टेनियस प्रोसेसिंग, जो समकालीन प्रक्रिया होती है। समकालीन प्रक्रिया, जैसे कुछ प्रश्न हमारे सामने आ जाते हैं उसके हमको उत्तर बहुत आसानी से या तो थिंकिंग करके बहुत गंभीरता से सोचकर उसको बताना पड़ता है। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, अगर कोई आपको कहे कि आपके मम्मी के भाई का लड़का आपका क्या लगेगा, सॉरी आपके मम्मी के पापा का लड़का आपका क्या लगेगा, तो सीधे से जवाब है कि वो मेरा मामा लगेगा। तो ये क्या है? समकालीन प्रक्रिया, क्योंकि वहाँ पे ये एक दूसरे से जुड़ाव है, समकालीन जुड़ाव है। तो यहाँ पर मस्तिष्क का, बड़े मस्तिष्क का पर्श खंड और मध्य खंड इसके लिए जिम्मेदार होते हैं कि उस समस्या का या वो उस प्रश्न का निराकरण कैसे किया जाए। अगला जो है सक्सेसिव प्रोसेसिंग, मतलब क्रमबद्ध प्रक्रिया। क्रमबद्ध प्रक्रिया, जैसे कि आप जानते हो कि जो बच्चे सपोज 12 खड़ी या तो कक्का वारी क्रम, ये जब आप पढ़ते हो तो उसको क्रमबद्ध में रखने को आता है। कई बार मैथ्स में भी आपको कहा जाता है कि चढ़ते क्रम या उतरते क्रम या तो इसका क्रम पहचानिए, तो वो क्रम में रखना ये भी बुद्धि का एक बहुत बड़ा उपयोग होता है। इसमें भी हमारी बोधात्मक क्षमता का बहुत ही बड़ा योगदान होता है, बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण योगदान इसमें माना जाता है। तो क्रमबद्ध तरीके से रखना ये भी प्रक्रिया, ये बुद्धि का मेन थिंग है, क्योंकि अगर हम कोई भी चीज़ को क्रमबद्ध रूप से नहीं बता पाते, क्रमबद्ध रूप से नहीं दिखा पाते, तो कई बार हम समाज में थोड़ा कमज़ोर साबित हो जाते हैं या हमारा आईक्यू लेवल कम है, ऐसा कई लोग कहते हैं। तो बड़े इसमें हमारे मस्तिष्क का कौन सा भाग काम करता है? बड़े मस्तिष्क का अग्रखंड और निम्नखंड इसके लिए जवाबदार होते हैं कि क्रमबद्ध तरीके से कोई भी कार्य को कैसे करना है, कोई भी समस्या का कैसे प्लानिंग करना है, कैसे उसका निराकरण करना है। तो इस तरीके से जेपी दास ने पहले तो जी घटक का विरोध किया, फिर उसके बाद उन्होंने बोधात्मक प्रक्रिया पर जोर दिया। बोधात्मक प्रक्रिया में इन्होंने कहा कि जो हमारा शरीर है, शरीर के साथ जो हमारा चेता मनोविज्ञान है, मतलब न्यूरोसाइकोलॉजी, वो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर चेतन अवस्था में व्यक्ति कार्य नहीं करेगा तो फिर वो सफलता प्राप्त करने में काफ़ी उसको दिक्कत होगी। कई बार क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में चोट लग जाती है तो वो जी फैक्टर उसमें से काफ़ी हद तक निकल जाता है, सोचने समझने की क्षमता निकल जाती है। ऐसे ही इसमें भी होता है, बोधात्मक प्रक्रिया में भी, कि अगर दिमाग में चोट लग जाए या वो डिसबैलेंस हो जाए, सोचने समझने की क्षमता ना रहे, वो अच्छा व्यवहार ना कर पाए, तो भी ये बोधात्मक क्षमता कई बार कमज़ोर पड़ जाती है, कई बार सरल साबित नहीं होती। तो आज हमने देखा पास के सिद्धांत में प्लानिंग, आयोजन, ध्यान उत्तेजना, समकालीन प्रक्रिया और क्रमबद्ध प्रक्रिया। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।